वो होगा ना। कैसे मालूम चलेगा? और 2 मिनट की रिकॉर्डिंग हो सकती है ना। रुक रुक रुक, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का ट्रायंगुलर प्लेट जो हम लोग पढ़ते हैं साफ साफ। जो रिलायंस केपल है वो कनेक्ट रहता है इंटरलॉक केपल से, ठीक है। ये इंटरलॉक केपल कैसा दिखता है देखिए, ऐसे सीधा रहता है और उसको भी सीधा कर दे घर्षण। ये हम लोग एकदम साफ साफ देख पा रहे हैं, ये इंटरलॉक केपल का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये इंटरलॉक केपल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इसका वर्किंग तो मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो आप बुक में से देख के पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये जानता हूँ ये हम लोग का सेफ्टी डिवाइस है। इसको नहीं यूज़ करते तो भी काम चल जाता है, लेकिन हम लोग इसको एज अ सेफ्टी पर्पज़ यूज़ करते। ये देखिए वो इंटरलॉक केपल से ट्रायंगुलर प्लेट अटैच रहता है, ये यहाँ पर इंटरलॉक केपल अटैच रहता है और यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेट से ये अटैच रहता है, ठीक है। और ये देखिए ये चैन, ये 6 चैन है, ये 6 चैन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैन ये 3 डी लिंक से अटैच रहता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का अरेंजमेंट है, किसका हम लोग का ये चीज़। तो ये हम लोग का सस्पेंशन गियर अरेंजमेंट, तो मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। ये देखिए ये हम लोग का रिलायंस केपल है, रिलायंस केपल में यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रोप है, यहाँ से रोप अंदर जाता है, यहाँ पर अटक जाता है। ये देखिए ये है बीच में, ये 2 प्लेट हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये पतला, उससे मोटा, उससे मोटा, उससे मोटा और ये उससे मोटा। ये किससे कनेक्ट रहता है? ये कनेक्ट रहता है इससे, इंटरलॉक केपल से, और इंटरलॉक केपल ट्रायंगुलर प्लेट से कनेक्ट रहता है, और ट्रायंगुलर प्लेट चैन से कनेक्ट रहता है, और ये चैन हम लोग का केज से कनेक्ट रहता है। तो मैं आपको अभी हेड गियर फ्रेम दिखाता हूँ। ये देख लीजिए जो आपका सस्पेंशन गियर का अरेंजमेंट दिखाया था, एकदम क्लियर कट दिख रहा है। ये रिलायंस केपल ऊपर जाके एक लेवल में आ जाता है, देखा। इससे ये है इंटरलॉक चैन और ये अपना सीधा केज। तो ये हम लोग का सस्पेंशन गियर।